السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كي حديث जिसको कि इमाम तिरमी तो ने ज़िक्र किया कि नबी करीम आलत वसलाम ने फ़रमाया मलून मल मा फ़ीह कि देखो दुनिया मलड़ है और दुनिया में जो कुछ है दुनिया की तमाम चीज़ें लानती हैं इल्ला ज़िक्र उमा वाह अमन अतम अगर इस लानत से कोई महफूज है तो अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह के ज़िक्र से जो मतलकिन हैं अला के ज़िक्र से जो मतलब हैं वो महफूज हैं इस लानत से या फिर आलम जो इल्मत रखता हो और मत या शरीत हासिल करने वाला तालब इलम यही लोग महफूज हैं इन लानतों से जो दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों पर उतरा करती है मौजादी हमारे माशरे में दीनी इल्म हासिल करने वाले तल्लाब इलम तलब इलम का एक अलग मकाम है हाँ जिनको दीनी इल्म का पता है जो दीनी इल की अहमियत को समझते हैं वो उनका एहतराम करते हैं वो उसकी हकीक़त को जानते हैं उसका उनको पता है लेकिन जो दुनियादार किस्म के लोग हैं आम तौर पर जिनके नज़दीक जिनके नज़दीक दीन सानवी दर्जे पे आता है दीन है ज़रूर लेकिन सानवी दर्जे पर है ऐसे लोगों के नज़दीक ये तलेब इल्मों का तबका या फिर आप मान ले उलमा का तबका कोई बाइज्जत तबका या कोई ऊंचा तबका शुमार नहीं किया जाता जबकि जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी उस हदीस को अगर देखें तो तोलमा और तल्लाब इल्म ही इस दुनिया की लानतों से महफूज हैं वही सबसे बेहतर वही सबसे अफजल वही सबसे ऊंचे हैं बल्कि नबी क़रीम करीमत ने इस हदीस में जिसको ओसमानबिन रजी अल्लाह तवायत के असई बुखारी की रवायत है साफ तौर पर कहा खई ऊंचा वह है जो कुरान सीखने और सिखाने के मशगले में लगे तो कुरान को सीखना कुरान को ये सबसे है और दुनिया का सबसे अफजल काम है और ऐसे लोग दुनिया के सबसे अफजल तरीन लोग हैं कुरान का सीखना सिखाना इसमें तौर पर कुरान हिफ़ करने वाले कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले नाजरा पढ़ने पढ़ाने वाले तजवीज़ सीखने सिखाने वाले और साथ ही साथ कुरान से मुतक जो इल है चाहे वो इल्म हदीफ हो इम फ़िक हो या दूसरे शरीय हों जोलम आला शुमार किए जाते हैं मुशाहदा शुमार किए जाते हैं उन तमाम आलोम से मुतक जो भी अपना शगफ रखे जिसका मकसद कुरान की पहचान कुरान का काम दीन का इल हो वो तमाम के तमाम जमनी तौर पर इस हदीस में दाखिल हो जाते हैं कि वह दुनिया के सबसे अफजल लोग हैं और वहीं पर इसके साथ आप एक और बात जोड़ लें जब अल्लाह के नबी आल वसमाम ने तमाम बादशाहों को खतूत लिखे हिरकल को भी खत लिखा हिरकल ने अरब के लोगों को जो वहाँ पर तिजारत के लिए आए हुए थे उनको बुलाया उनको बिठाया अबू सुफियान सबसे सामने थे उनसे नबी करीम अलैहिस्सलाम के हालात दरियाफ्त किए उनसे कई सवाल किए उन सवालत में एक सवाल ये किया कि नबी ने नबूवत का दावा किया है इस नबी के मुतबैन कौन हैं इस नबी के मुतबईन कौन हैं कौम के सरकर्दा लोग अमीर किस्म के लोग सरदार किस्म के लोग या कौम के मामूली किस्म के लोग जिनका पेशा बिल्कुल मामूली सा हुआ करता है इन दोनों में कौन उसकी इतबा करते हैं तबोसुफियान ने कहा कि सरदारा ने कौम ने उसकी इतात नहीं की है, बल्कि मामूली किस्म के लोग गरीब किस्म के लोग फ़कीर व महताज नादार लोगों ने उसकी इतबा की है कई सवाल पूछे फिर सवालात पूछने के बाद जवाबों को सुन करके उसने जो नतीजा अखज़ किया उसने यही अखज़ किया उसने यही नतीजा निकाला कि नबियों की नशानी है कि नबियों की इतबा आम तौर पर कौम के वही लोग करते हैं जो मामूली कस्म के लोग हैं जिनका कोई मकाम व मरतबा माशरे में नहीं हुआ करता जो सरकर्दा लोग नहीं होते हैं अमीर लोग नहीं होते हैं सरदार लोग नहीं होते हैं वही लोग उनकी इतबा करते हैं ये नशानी है कि ये बंदा नबी है उसे यकीन हो गया कि मोहम्मद असरत वसलाम अल्लाह के नबी और आखिरी रसूल हैं इसका यकीन हो गया उसे तो यहफ हमें इसी तरफ इशारा देती है कि आमतौर पर दीनदारी या फिर आप दीनदारी को आप इस माने में लें कि दीन का इल्म दीन की समझ जिन लोगों को नसीब होती है उसमें फ़करा व मसाकिन का या फिर कौम के निचले तबके के लोगों का एक बड़ा हिस्सा होता है और ये लोग आम तौर पर माशरे में लोगों की नज़र में उतने ऊंचे नहीं माने जाते उतने ऊँचे नहीं देखे जाते तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप इन तलब इलमों को इनमा को उनके जाहरी पोशाक पर उनके फखे पर या उनकी जाहरी तौर पर मस्कनत को देख करके हकीर न जाने हकीर न गर्दाने बल्कि ये नबियों की सुन्नत है अल्लाह ताला की सुन्नत है नबियों के साथ किया गया अमल है कि खुद साहब कराम रिजवानल मजमाइन बिल्कुल मामूली किस्म के लोग थे सरदारान कौम नहीं थे और तमाम अंबिया की सुन्नत रही है कौमिन ने नूह इसम से क्या कहा अनुमिन हम आप परी मान लाएं ये देखो आपके आस पास जो लोग हैं ये कौन लोग हैं कौम के बिल्कुल निचले लोग हैं वो हमारे साथ बैठे हम उनके साथ मजलिसों में जमा हो ये नहीं हो सकता और कहा कि उनको हटाएं अपने पास से तब हम आपके पास आएंगे तो मौजादी यह सुन्नत रही है कि दीनदारी या दीनी इल्म या दीनी समझ अगर से के बाद अहले इल्म मालदार भी रहे हैं मालदार तबका भी रहा है कौम के बड़े लोग भी दीदी इल्म की तरफ आए हैं लेकिन बिलूम अगर हम देखेंगे नबियों के सुन्नत पर हम नजर नज़र डालेंगे तो आम तौर पर यह तरीका रहा है कि कौम के निचले लोग जो कौम में बहुत बड़ा मकाम और व नहीं रखते हैं इन्हीं लोगों ने नबूत नबियों से इन्हीं लोगों ने इल सेबत इख्तियार की है इम के करीब वो रहे हैं ये सुनत है सुनत हमेशा बाकी रहेगी अहब सुफा को लें सुफ़ा जो नबी करीम इसतम तो के मेहमान थे फ़कीर मोहताज और नादार किस्म के लोग थे उनका बड़ा मकाम और मर्तबा है तो इसी एतबार से मैं आप तमाम लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि देखो हो सकता है आपको कम पैसे वाले कम हैसियत वाले मामूली पहनने वाले मामूली खाने वाले मामूली सवारियों वाले नजर आएंगे इनको आप कभी हकारत की निगाह से न देखें इल्म तो आपको मामूली नजर आएंगे इनको कभी आप निचली निगाह से न देखें ये अल्लाह ताला के नजदीक बड़े ऊंचे मर्तबे के होंगे अगर इनके दिलों में इखलास है अगर ये सही मानों में सच्चे मानों में तालब इल्म है तो अल्लाह के नज़दीक बड़ा मकाम रखते हैं बड़ा दर्जा रखते हैं बड़े ऊंचे मकाम के हैं और वहीं पर मैं तलब इलमों से और कहूँगा कि वो अपनी नज़र दुनिया की तरफ ना डालें दुनिया की नमतों की तरफ अपनी नज़रों को न डालें बल्कि वह अपने मकाम व मरतबे को समझ करके उसके एहतराम की कोशिश करें अपनी इज्जत की हिफाजत करें और जहां तक हो सके दुनिया वालों पर अपनी नज़र को न डालें दुनिया की नेमतों पर अपनी नज़र को न डालें बल्कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर कनात पसंद होके रहें अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में बड़ी बरकतें देता है खुद नबी करीमला तो वाल को लें नबी करीमला तो वाल के घर पर कभी एक एक महीना दो दो महीने बल्कि माई आयशा सिद्दीक़ा रफियाल्ला कहती हैं कि तीन तीन नए चांद हमने देख लेते घर पर चूल्हा न स बल्कि नबी वसलाम को में आता है इख्तियार दिया गया कि आप चाहे तो ज़िंदगी गुजारें चाहे तो मामूली बंदे की जिंदगी गुजारें तो नबी वसलाम ने कहा बल अब रसूला बल्कि मैं एक मामूली सा बंदा और रसूल बनकर के जिंदगी गुजारने को तरजीह दूंगा तो यही सुन्नत आपके वारिसीन में आएगी वारिसान नबूत आम तौर पर इसी सुन्नत के अलंबरदार इसी सुन्नत के हामिल होंगे तो माशरे के लोगों को चाहिए कि उनके इज्जत वक़ार में उनके एहतराम और तजीम में कमी न करें दुनिया कभी किसी की तजीम और इज्जत का मेयार नहीं बना करती मेयार इज्जत और तज़ीम का मेयार तकरीम का एहतराम का इल और तकवा हुआ करता है इन अक्रम अकम इनका की नज़र में तुम में ज्यादा बात वो है जो तकवा जिसका ज़्यादा होता है जो तकवे वाला ज्यादा होता है तो मादरीन आम तौर पर फकर व मोहताज नज़र आएंगे आप उन पर ख़र्च करके अपने आप को खुश नसीब तस्वर करें उन तालिबे इमों पर अपना पैसा लगा करके अपने आप को खुश नसीब जाने कि आपको अल्लाह ने मौका तो नसीब किया कि आप अल्लाह के ऐसे नेक बंदों पर खर्च करें ये वो तालब इलम है कि जिनके लिए समंदरों की मछलियां दुआएं करती हैं ये वो तालब इलम है जिनके लिए जमीन भर की चूंटियां दुआएं करती हैं ये वो तालब इल्म है कि जिनके लिए फरिश्ते पर बिछा देते हैं और ये वो तालब इल्म है कि तलब इल्म में जिस रास्ते को वो अपनाएं वो रास्ता उन्हें सीधे जन्नत पहुंचा देने वाला रास्ता बन जाता है ये अल्लाह के इकराम है ये अल्लाह की तकरीम है ये अल्लाह का एहतराम है उनके हक में ये अल्लाह की यह अल्लाह की तरफ से उनके लिए बुलंद मकामी है जो अल्लाह ने उनको अता की तो उनको वही मकाम दें जो अल्लाह ने उनको मकाम दिया है उनको वही एहतराम की नजर से देखें जो एहतराम अल्लाह ताला उनको देना चाहता है तो मजह तुल्लाबे इल्म और इस दुनिया का एक वो तबका है जो वार सारे नबूत का मकाम और मरतबा रखता है जिस तरीके से किसी कौम में कोई नबी अपना सबसे ऊँचा मकाम रखता है उसी तरीके से इस उम्मत इस्लामिया में बतौर वारिसी ने नबूत ऊँचा मकाम रखते हैं तो उनके अहतराम में कोई कमी ना करे और एहतराम देखिए मज़्ज़ सहान ये जबान से या सिर्फ़ ज़ाहरी आमाल से होने वाला एहतराम नहीं है बल्कि दिलों में एहतराम होना चाहिए उनकी ख़ैर मौजूदगी में आप उनका एहतराम करें <coughs> आप उनकी ख़ैर मौजूदगी में उनको इज्जत की निगाह से देखें उनका से आप करें। वरना बहुत से ऐसे हैं जो जाहरी तौर पर इज्जत तो कर लेते हैं सामने हाँ हाँ जी उजूरी तो कर लेते हैं सामने इज्जत की बात तो कर लेते हैं लेकिन पीछे इज्जत की बात नहीं करते हाँ इसमें हो सकता है कि अपने किरदार का दखल क्यों ना हो लेकिन वहीं पर इन बदअमलों की बदकिरदारी भी यकीन दाखिल है जो दिलों से सेमा का एहतराम नहीं करते मौजतरीन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तलब इल्म और के तबके को हमें मुकम्मल अहतराम और मुकम्मल तज़ीम की निगाह से देखने और उनको वो मकाम देने की तोफ़ी नसीब फरमाए अल्लाह ताली इनकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताली इनके जरिए दीन की तजदीद फरमाए अल्लाह ताली इनके जरिए दीन को बाकी रखे और अल्लाह ताली इनके जरिए दीन की तबलीग और दीन की नश्रोशात फरमाए और अल्लाह ताली इनके दिलों में इखलास नसीब फरमाए और अल्लाह ताली बाकी तमाम लोगों के दिलों में इखलास नसीब फरमाए और इन काबिल कालाबल शर्य का एहतराम करने की तोफीक़ नसीब फरमाए और हाँ एक आखिर में ये बात भी कह दूँ कि दूसरे जितने अलूम हैं जितने दाखिल हो जाए तो वो एहतराम का हक रखता है वो का हक रखता है बस वो अपनी नीयत खालिज कर ले तो बड़े ऊंचे मकाम पर अल्लाह ने उसे रखा है अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तमें तलब इल्म बना करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए तालब इल्म बना करके हमें रखे और अल्लाह ताला इस इल्म के रास्ते में हमारा ख़ात्मा फरमाए आमीन सल्लम अला नबीना महमद वाली व सलाम अलैकुम व वर वरहि व बरकातहू